हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस, जैसा कि आज है जन्माष्टमी और जन्माष्टमी की आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ। तो सभी मिलके बोलते हैं कि श्री कृष्ण मुरारी लाल की जय। तो जैसा कि कुछ दिनों से क्लास में कियोस्क चल रहा था तो हायर मैनेजमेंट ने चीज़ें सुनी और उन्होंने भाई समझाया कि इस तरीके से चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। उन्होंने बात मेरी समझी, मुझे समझाया, मेरी गलतियों को बताया, अपनी गलतियां भी एक्सेप्ट करी और ओवरऑल देखा जाए तो अंकित सर ने मुझे बहुत बढ़िया से गाइड किया, बहुत बढ़िया समझाया और उस चीज़ के लिए मैं उन्हें हेड्स ऑफ बोलता हूँ। सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि कोई भी, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी है, गलती एक्सेप्ट कर लेता है वही बड़ी बात है। तो मेरा कभी भी किसी को हर्ट करने का कोई इंटेंशन रहता नहीं है। मैं तो एक ही चीज़ समझता हूँ कि अंत भला तो सब भला। अभी मैं पहुँच चुका हूँ राजीव चौक और आज है फेयरवेल और आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस फेयरवेल। और अभी फ़िलहाल मैं पहुँचने वाला हूँ अपने क्लास। एक चीज़ ये चलती रहती है हर क्लास में, स्टूडेंट्स कुछ को हमसे दिक्कत होती है, कि कुछ को हमें दिक्कत करते हैं, हम किसी को दिक्कत करते हैं, तो बहुत सारी दिक्कतें चलती रहती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अमित ने भी सब चीज़ें मान ली हैं, कल हमारी डिस्कशन हुई है। सो देयर इज़ नो टिपिकल ग्रज कि हाँ अमित ने ऐसा किया तो मैं अमित के साथ ज़िंदगी भर सड़ा रहूँगा या नाराज रहूँगा, ठीक है। ये भी एक मेमोरी है जो याद रहेगी आपको भी मुझे भी। एंड आई वॉन्ट कि आप सब अपनी लाइफ में अच्छे से अच्छा करियर अचीव करो, अच्छे से अच्छी जगह पर प्लेस हो जाओ और जब आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाओ तो आप याद करो कि एक सर थे जिन्होंने हमें पढ़ाया था, ठीक है। और मेरी जीत वहीं से हो जाएगी, राइट, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। सर मैं भी कन्फ्यूज करना चाहूँगा कि जो भी मैंने मतलब जो भी किया, थोड़ा सा होता है कि आपको भी थोड़ा लगा ईगो में, मेरे को भी थोड़ा लगा ईगो में, बट वो सारी चीज़ें खत्म करते हैं। कोई इशू नहीं, मेरी साइड से बिल्कुल फ्री है, कोई दिक्कत, मेरी तरफ से कोई इशू नहीं है। और सबसे बड़ी बात, टीचर्स डे पे टीचर्स को नाराज नहीं करना चाहिए था बट मैंने आपको नाराज किया, उसके लिए मैं सबसे पहले तो मैं बी लेटेड बट हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू। चलो गाइज एंजॉय प्लीज, ठीक है। एंड सबके पास मेरा नंबर है, ये मेरा पर्सनल नंबर ही है, ठीक है। तो आप इस पे कभी भी रीच आउट कर सकते हो, आई नेवर गोना चेंज दिस नंबर, ठीक है। तो कोई भी इशू हो रिगार्डिंग कुछ भी, कल को आपको कोई क्लाइंट मिलता है, दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे प्लीज डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हो, ठीक है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। और अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो क्लासेस में कि भाई जो पूरी क्लासेस जो चली हमारी, ठीक है, कैसा आपको एक्सपीरियंस आया। तो शुरू करते हैं। उर्वशी उर्वशी तो कहेंगे कि मैं कुछ बोलती हूँ तभी कुछ हो जाता है, ऐसा है कि नहीं मनोज भाई? दैट वाज अमेजिंग यार, इट वाज रियली ग्रेट एक्सपीरियंस। और कोई ऐसी मेमोरी जो तुम कहोगे कि हाँ ये हमेशा याद रहेगा? हाँ, वो जो तेरा कांड है वो हमेशा याद रहेगा, कभी नहीं भूलेगा। आदित्य भाई, सबसे बढ़िया था मेरा। गजब बेइज्जती है। प्रियंका जी, सब बहुत अच्छे हैं। सुपर नाइस। कुछ ऐसा शेयर करना चाहो? जैसा ये बड़ी अच्छी बात कही आप, मतलब क्लास के बारे में क्या चीज, जैसे शुरू में तो बहुत ही एक्सचेंज था हर चीज, ठीक है, बट ऐसा फिर भी कुछ ऐसा मेमोरीज वगैरह? आर्यन भाई कहेगा मैं तो पूरे क्या बोलते हैं वो किया है मैंने, उसे चीज कर दे भाई, तू एक बार और कर दे चीज। कर दे भाई, आशीष भाई ये तो बेचारा, हर्षिता भी कुछ नहीं बोली है, शर्मा गई। जगजोत भाई फाइनली हमारी क्लास हो चुकी है ओवर, हमारा था आज फेयरवेल डे और इसके बाद हमें बस एक दिन और आना है, दैट्स अ प्लेसमेंट सेशन, और उस दिन कटेगा केक। उसके बाद से हम लोगों की विदाई हो जाएगी और हम लोग मतलब
हम लोगों के लिए गाना गाया जाएगा, कौन सा वाला? बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। है वो? मेरे हिसाब से 100% तुम मुंबई आओ। ये हमारे मनोज भाई, हमारे क्लासमेट, और तुम क्लास में भाई जेन्युइन बंदे। थैंक यू बर्थडे, आप भी बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन। और एक बात और कहना चाहूँगा, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है और जो आपकी प्रोफिशिएंसी है वो बहुत ही अच्छी है। सो मैं ये प्रे करूँगा गॉड से कि आप फ्यूचर में बहुत बड़े ब्लॉगर बना। थैंक्स ब्रो, थैंक्स। और मैं भी यही प्रे करूँगा भाई कि कभी भी कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी बड़ा आदमी बन जाए, मिलना मत भूलना, ठीक है? मिलते रहेंगे, और फिलहाल तो अभी एक दिन के लिए और मिल रहे हैं, बाकी और सेशन पे मिलेंगे। हाँ, बाकी और देखते हैं, जब जब मौका मिलेगा तो ऑब्वियसली मिलेंगे। फिलहाल अभी कहते हैं अलविदा, ठीक है? टाटा, बाय बाय, ओके। ओवरऑल सारी चीज़ें सॉर्ट हो गई। मैं भी नहीं चाहता था कि कोई गिला शिकवा रहे किसी के मन में, और मैं चाहता था कि जिस वे में सारी चीज़ें हुई थी उसी वे में इन सब चीज़ों को ठीक किया जाए। सो दैट्स व्हाई मैंने ये ब्लॉग बनाया। तो अब सारी चीज़ें ठीक है बिल्कुल। तो फिर आप सभी से मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, एंड वंस अगेन हैप्पी जन्माष्टमी। ये जिंदगी का बहुत लंबा सफर मेरे भाई है, ये तय नहीं होता ना देता ये दिखाई है, बस जलते पिसते जाओ बस यही एक राय है। ये मेरे खुदा तूने चीज क्या बनाई, यहाँ खुशी भी है यहाँ बहुत ज्यादा गम भी, यहाँ सख्त है दिल, यहाँ कुछ नरम भी, यहाँ मेहनत तो है पर अच्छे कर्म नहीं सच्चे।